जिसे क्राइम नंबर 116/19 अंडर अफजलगंज पुलिस स्टेशन रजिस्टर हुआ, वो हमारे जॉइंट सीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी और उनके पूरे टीम मेंबर मिलकर इमीडिएटली 4 टीम बनाकर केस को रिकॉर्ड टाइम में डिटेक्ट किए और पूरा सामान भी रिकवर हुआ। जैसा आपको मालूम है, ये कुशाईगुड़ा डिपो का बस था और चोरी होने के बाद कुछ घंटे का लैप्स भी है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुआ, जिसके कारण तुरंत टीम को निकलने में वहाँ पहुँचने में टाइम लगा। बाद में जॉइंट सीपी के टीम से पता चला कि ये बस तूपरान और तूपरान के बाद यह महाराष्ट्र में नांदेड़ की तरफ गई है। नांदेड़ से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक जगह है बोकर। बोकर के पास ये बस कम्प्लीटली डिसमेंटल्ड कंडीशन में मिला और फिर वहाँ लोकल पुलिस के हेल्प से कुछ लोगों का अरेस्ट हुआ। इस अरेस्ट में A1, A2 ये लोग जो हैं, ये लोग ब्रदर्स हैं, और बाकी लोग जैसे A3, A4 ये लोग डिसमेंटिंग करने के लिए एक्सपर्ट हैं। इसमें जो अक्यूज्ड हमारे नोटिस में आए हैं, उसमें सैयद आबेद चिलकलगुड़ा का रहने वाला, सैयद जिहाद चिलकलगुड़ा का रहने वाला, ये लोग दोनों मिलकर ये CBS बस स्टेशन से अफजलगंज से ये बस निकाले। उसके बाद मोहम्मद नवीद, ये स्क्रैप वर्कर का काम करता है नांदेड़ महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में। ये जो A3 है, ये A1, A2 का डिस्टिंक्ट रिलेशन भी है और ये लोग स्क्रैप सेलिंग का बिजनेस करते हैं। मोहम्मद जुबैर एलियस समीर 25 ईयर्स ये गैस कटिंग का वर्क करता है और ये डेगलूर नाका नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसके बाद मोहम्मद उमेर सन ऑफ मोहम्मद खलील, ये भी गैस कटिंग का काम करता है और डेगलूर नाका नांदेड़ का रहने वाला है। A7 सैयद सलमान एलियस अरबाज, ये भी गैस कटिंग का काम करता है और डेगलूर नाका फेमस फंक्शन हॉल नांदेड़ का रहने वाला है। A8 मोहम्मद शफीक, ये भी गैस कटिंग का काम करता है, नांदेड़ का रहने वाला। और मोहम्मद खलीम भगवान, ये भी गैस कटिंग का काम करता है, गड़ेगांव रोड नांदेड़ का रहने वाला है। इससे जो पूरी रिकवरी हुई सामान, उसमें इंजन चेचिस सब पार्ट, डेस्टिनेशन बोर्ड जिसमें रूट का नंबर भी लिखा हुआ था अम्बेडकर नगर से अफजलगंज, वो सब रिकवरी हुआ है। और इसमें A1 और A2 इसके पहले भी बहुत सारे क्राइम में इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट A1 गोपालपुरम, पंजागुट्टा, नलकुंटा, मीर चौक, LB नगर पुलिस स्टेशन में पहले भी उनके ऊपर केस है और मलकपेट पुलिस स्टेशन में PD एक्ट में ये अंदर जेल में भी रह चुके हैं। A4 जो है अभी तक एब्सकॉन्डिंग है और उसका क्रिमिनल हिस्ट्री नांदेड़ में भी है। ये पूरा गुड वर्क के लिए हमारे तरफ से जॉइंट CP ईस्ट जोन रमेश रेड्डी और उनके पूरे टीम मेंबर्स, जिसमें कि देवेंद्र ACP, लोकल SHO और सारे ऑफिसर्स हैं, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।